दोस्तों आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में जो ऐतिहासिक वास्तु है बीबी का मकबरा, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। मैं हूँ फुंदे आरटी और हमारे चैनल गुरुजीज ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, बीबी के मकबरे के बारे में जानकारी लेते हैं। बीबी का मकबरा, सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस ऐतिहासिक मकबरे के बारे में जानेंगे। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर में ये मकबरा स्थित है। बीबी के मकबरे को लोग महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहते हैं। इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में बनवाया था। इस मकबरे का मुख्य आकर्षण मकबरे के मुख्य द्वार पर बनी समाधि में है, जिसे उस समय के इंजीनियर हंसपत राय उर्फ अतउल्लाह ने किया था। अतउल्लाह अहमद लाहौरी का बेटा था, जिन्होंने ताजमहल को डिजाइन किया था। इस मकबरे का निर्माण सन 1651 से लेकर सन 1661 तक चला। यह मकबरा एक विशाल चार दीवारी के केंद्र में स्थित है, जो उत्तर दक्षिण में 458 मीटर और पूर्व पश्चिम में 275 मीटर है। विशिष्ट मुगल चारबाग पद्धति मकबरे की शोभा बढ़ाती है। इस प्रकार की इसकी एकरूपता और इसके उत्कृष्ट उद्यान से इसके सौंदर्य और भव्यता में चार चांद लग जाते हैं। इस मकबरे का गुंबद पूरी तरह से संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। गुंबद के अलावा दूसरा निर्माण प्लास्टर से किया गया है। इस वास्तु के निर्माण के लिए लगने वाले पत्थर जयपुर की खदानों से लाए गए थे। आजम शाह इसे ताजमहल से भी ज्यादा भव्य बनाना चाहता था, परंतु बादशाह औरंगजेब द्वारा दिए गए खर्च में ये मुमकिन नहीं हो पाया। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से आकार में छोटा है। तकनीकी खामियों के कारण और संगमरमर की कमतरता के कारण ये वास्तु कभी भी ताजमहल की बराबरी नहीं कर सकती। इस मकबरे को गरीबों का मकबरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर में जब भी आप कभी आए तो इस बीबी के मकबरे को देखने जरूर आइए। धन्यवाद।